अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरा जो सीरीज़ चल रही है ये इन्फॉर्मेटिव और मेडिसिन के ऊपर चल रही है, तो ये वीडियो भी मेरी मेडिसिन के ऊपर है। बहुत से बर्ड्स हमारे आपने देखे होंगे जिनके मुँह के ये सर्दियों में आने ये वक्त होता है उनका आने का, जैसे ठंड का मौसम होता है या सर्दी आने वाली होती हैं या बहुत से सर्दियों में आके आप देखते होंगे उनके जो ना सांस में खुरखुर की आवाज़ आती है, खुर खुर जब भी वो सांस लेते हैं उनके खुरखुर की आवाज़ आती है। अच्छा, उससे पहले ऐसा होता है कि उनकी जो अगर उनकी चोंच वाइट है तो उनकी चोंच ब्लू होना शुरू हो जाती है, नीले रंग में होना शुरू हो जाती है। इससे अंदाज़ा ये होता है कि इनको जो ना नज़ला होने वाला है, और क्योंकि इनका बर्ड्स का नज़ला ना ख़ासतौर पर लव बर्ड का नज़ला बड़ा ख़तरनाक होता है और बहुत मुश्किल सही होता है। तो नाज़रीन, मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ ये था कि मैंने तकरीबन 18 साल मेडिकल की फील्ड में भी रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत तजुर्बा उससे ले लेता हूँ, और बहुत ज़बरदस्त तजुर्बा है। मैं आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये वीडियो, और चोंच के साथ साथ बिल्कुल उस हिसाब से जो ना मैं ये वीडियो बनती है। आप ये देखें, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा निचोड़ है, आप पे बहुत काम आने वाली वीडियो है। नाज़रीन, ये इल्म बांटने से बढ़ता है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ उसी हिसाब से मैं अब क्या मेडिसिन है, किस तरह से देनी है, किस मकदार से देनी है, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हम सारे तजुर्बे कर चुके हैं, उनमें से जो खुलासा हुआ है मेरा ज़िंदगी का वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो भी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। अब नाज़रीन, जो इस वक्त मैं वीडियो ये बना रहा हूँ क्लेरिसिट वाले, इस वीडियो के दौरान ही अभी मेरे पास 3 फ़ोन आ चुके हैं उस वीडियो के मुतालिक जो मैंने इससे पहले डाली थी, लोगों को बहुत पसंद आई है। पर नाज़रीन, एक कन्फ्यूजन है वो दूर कर रहा हूँ। हर बर्ड्स कमज़ोर जो होता है उसको ये नहीं देनी, जो बर्ड्स मोशन में हो उसको तो कभी भी ये नहीं देनी। मोशन की ट्रीटमेंट अलग होती है, ये ट्रीटमेंट उनकी है जो बर्ड्स बीमार हो गया, कोने में बैठ गया, और जिसको मोशन नहीं हो रहे हो उनके लिए है वो इससे पहले वाली वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी किस तरह से मेडिसिन का करना है और क्या फिट करानी है। तो लोग बहुत से जो मोशन में होते हैं उनको नहीं करानी है वाली फिट। अच्छा, ये क्लेरिसिट वाली है, ये इसका ताल्लुक सिर्फ नज़ले से है, ये नज़ले से है जो खुरखुर करते हैं सांस में, जिसकी आवाज़ आती है जिस बर्ड्स के, क्योंकि अब वो सीज़न आने वाला है। हम होता क्या है कि कभी कभार ऐसा होता है कि ठंडी कोई चीज़ होती है, ठंडा पानी हो गया, ठंडा स्प्राउट हो गया, उससे इनमें ये मसला हो जाता है लव बर्ड में ख़ासतौर पर। अब जैसे हमारे पास एक फिशरी है, हम आप इसके नोज़ भी दिखाएंगे, इसकी आवाज़ भी सुनाएंगे, इसके सांस लेने में भी ऐसी आवाज़ आ रही है, और इसकी नाक भी बिल्कुल ब्लू, नोज़ भी जो है बिल्कुल ब्लू हो रही है, तो इसमें 100% वो सारी वजह आ गई जो इसमें होती है, नज़ले इसको कह सकते हैं। इसका एक और भी कोई नाम होता है, जो भी नाम होता है हम तो सीधे उर्दू में नाम लेते हैं भाई नज़ले का, ये नज़ला है। अब इसको सही करने के लिए किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, क्लेरिसिट क्यों है, ऑगोमेंटिन क्यों नहीं? नाज़रीन, क्लेरिसिट इसलिए होता है, हम मेडिसिन कोई भी लेते हैं किसी, चाहे हमारे ह्यूमन में इस्तेमाल हो, हमारे घर के बच्चों में बहुत सारे ये क्लेरिसिट ड्रॉप छोटे बच्चों को डॉक्टर लिख के देते हैं, ये सिर्फ सांस के मर्ज में क्लेरिसिट लिखते हैं। जिसको सांस का मर्ज होता है उसमें क्लेरिसिट चलती है। अब जिसका सीना इन्फेक्शन हो, सांस सही आ रहा हो, तो उसमें तो ऑगोमेंटिन वगैरह लगा सकते हैं। जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो उसमें ये क्लेरिसिट ड्रॉप या इंसानों में चलते हैं, तो लाजमी फिर वो जानवरों में भी करेंगे। अब मेन मसला होता है इनके जानवरों और इंसानों में कि इनकी मेडिसिन की मकदार क्या रखनी है। तो नाज़रीन, यही बहुत सार का तजुर्बा हमारा तकरीबन रहा है, और बहुत सार के तजुर्बे में अल्लाह ताला ने इतनी सलाह दे दी अल्लाह ताला के हुक्म से कि हमको मकदार का अंदाज़ा हो गया। नाज़रीन देखें, फिर मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में होती है, हमारा काम है को शिफा करना, और इंशाअल्लाह ताला वो शिफा हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह मिलेगी अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो, और उसके साथ साथ हम आपको सब बताएंगे। नाज़रीन, ये वो ख़जाना है जो हमने सालों में हासिल किया है, और हम अल्लाह के हुक्म से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। वीडियो को लाजमी देखिएगा, अगर आपने मुतार इन्फॉर्मेटिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। नाज़रीन, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, हमारा थोड़ा हौसला अफजाई हो जाती है वीडियो को लाइक करके, और अगर आपको कोई कमेंट्स कर देते हैं तो समझे आपने हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो का हक अदा कर दिया है। नाज़रीन, कमेंट्स करें, जो भी समझ में नहीं लाजमी करें, ताकि आपकी मोहब्बतों का इजहार हम भी देख सकें। चलें वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन देखें, ये क्लेरिसिट ड्रॉप हमने खोल लिया है, अब इसको जो इसके पानी का तरीके कार है बनाने का मैं आपको बता दूँ। देखिए, ये निशान लगा हुआ है, ये रहा रेड रंग का जो निशान देख रहे हैं बिल्कुल, आप इस तक इसको पानी मिलाना है, पानी मिला के बना लेना है। बनाने के बाद आपको मेन चीज़ आपको बता दूँ, कोई आपको ड्रॉप लेना है, खैर मेरे पास ड्रॉप नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा ये, इसमें भी आप कर सकते हैं, ये थोड़ी सी मुसीबत होती है, मैं ड्रॉप नहीं लेता। मेरे पास एक ऑगोमेंटिन के अंदर जो इंजेक्शन आता है, सिरिंज जो आती है, बड़ी ज़रूरत सिरिंज होती है, वो है मेरे पास, उससे मैं आपको पिलाऊंगा। किस तरह से पिलाना है नाज़रीन, ये देखिए कि आपने कभी नहीं देखा होगा इस तरह से, और माशाल्लाह कितने बेहतरीन तरीके से पिएगा, आप ये देखिए, आपको दिखाते हैं। तो नाज़रीन देखिए, इसकी नोज़ आप देख रहे होगी फिशरी की, आपको
हल्की सी ब्लू हो रही है। देखिए आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये हल्की सी ब्लू पन में आ रही है, शायद वीडियो में साफ नहीं आ रही, जब रियलिटी देखेंगे तो काफ़ी हद तक वाइट से जो इसकी ब्लू हो गई। और ख़ास तौर पर आप इसका ये वाला हिस्सा देखेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है, नाक के नीचे वाला हिस्सा, ये ज़्यादा ब्लू हो रहा है। दो कलर में आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल इंडिकेट कर रहा है इस बात का कि इसको नज़ला हो रहा है। अब इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं, अब हम आवाज़ सुनिएगा नाजिन, ये आवाज़ सुनिएगा, इसकी आवाज़ में खामोशी कोशिश करूँगा कि खामोशी हो ताकि इसकी आवाज़ सुन सके सांस की। आप ये नाजिन खा आपने, और ये इसकी आवाज़ के साथ ही अब इसको किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं आपकी खिदमत में पेश करते हैं, हमारे साथ लीजिएगा। अब इसको किस तरह मेडिसिन देते हैं आप ये देखिएगा। पकड़ लो, सही सही है। अच्छा नाजिन देखें, ये शुरू कर रहे हैं हम ये मेडिसिन किस तरह से पिलाते हैं। ये हमने इंजेक्शन में देखें, ये ऑगोमेंटिन का अंदर से निकलता है, हमने बताया था आपको, इसमें थोड़ी सी नोक वगैरह बने होती है, ये बहुत आराम से हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये देखें, ये करके इस तरह ड्रॉप निकलेगा, थोड़ा जगह इसका मुँह खोलें, खुद ही जाएगा। ये आपने ड्रॉप के कोने में रखा, ये देखें एक ड्रॉप इसके अंदर गया, एक हो गया, इसको फिर थोड़ा सा जगाएं ताकि इसका मुंह खुले। और ये अब इस तरह से भी मैं इनको पिला सकता हूँ, देखें ये दो ड्रॉप हो गए, इसके मुंह में चले गए दोनों ड्रॉप, हमको कम से कम चार ड्रॉप कराने हैं। ये तीन ड्रॉप हो गए, तीनों उसके मुंह में गए, देखें ये पी चुका है, इसको थोड़ी देर रोकें, होल्ड करें ताकि ये ज़बान पर जो ड्रॉप है इसके अंदर चले जाए। तीन ड्रॉप हो गए, एक ड्रॉप और रह गया है जो हमको पिलाना है। इस तरह से मुँह खोल के इसके अंदर हम ये देखेंगे, ये चार ड्रॉप हो गए, ये चारों ड्रॉप इसके अंदर चले गए नाजिन। और इसको हम करा चुके हैं, और इसको हम करा चुके हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। देखेंगे ना इसके नाक से निकले कहीं ड्रॉप, ना कुछ हुए, देखेंगे इसकी नोज़ है, ना नोज़ से निकले। और ये देखें अभी भी ये ड्रॉप जो है वो पी रहा है। हमने इसको चार ड्रॉप इसको अभी तक पिला चुके हैं, और चार ड्रॉप हमने इसको करा दिए हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हालत में। ये देखें अब इसको हम पट्टी में छोड़ रहे हैं, पट्टी में छोड़ के दिखा दें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब इस तरह से ये ट्रीटमेंट करनी है आपको, ये ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से आप करेंगे तो मेरे ख्याल से 5 या 7 दिन के अंदर ये ट्रीटमेंट सही हो जाएगी और माशाल्लाह ये बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। तो नाज़रीन ये तजुर्बा है, इसको ज़रूर देखिएगा, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, कैसी वीडियो लगी ज़रूर बताइएगा नाज़रीन, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है ये। और ये इस तरह से देखिए नाज़रीन, हर तरह से नई नई बीमारी होती हैं, मैं कोशिश ऐसी करता हूँ कि जैसे कोई मसला हो जाए वो फ़ौरन उसकी एक वीडियो बना के मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ, क्योंकि नाज़रीन मैं मेरा बड़ा दिल दुखता है कि जब न्यू फैंसर जो होते हैं वो बीमारी का सही ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। तो नाज़रीन अगली वीडियो मेरी मोशन की होगी, जो बर्ड्स मोशन में होगा तो उसमें भी दिखाऊंगा, अभी मेरे पास कोई ऐसा बर्ड्स मौजूद नहीं है जिसको मैं मोशन में वीडियो बना सकूँ। तो देखें इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्मेटिव, मैं किसी दोस्त के पास भी अगर कोई हुआ तो उससे मैं बर्ड्स लेके उसकी एक वीडियो भी बना दूंगा, उसकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी इस बहाने से, और आप तक वो वीडियो भी बन जाएगी। नाज़रीन हमारी वीडियो लाजमी देखिएगा, क्योंकि हम ये बता रहे हैं तमाम बीमारी पे, हमारी कोशिश ही होगी अल्लाह के हुक्म से, हम कोशिश ही करेंगे तमाम बीमारी पे वीडियो बना के ज़रूर डालें हमारे चैनल पे, कम से कम बीमारी की तकरीबन ज़्यादा वीडियो हों, और अल्लाह पाक उन सबको शिफा दे, इंसानों हों या फिर उनके बर्ड्स हों या जानवर हों जो बीमार हों। तो नाज़रीन कैसे वीडियो को ज़रूर बताएगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगे कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। 14 अगस्त मुबारक, आज 14 अगस्त का दिन है, मैं मुबारकबाद देना भूल गया। तो नाज़रीन एडवांस में आपको, बल्कि 14 अगस्त वाले दिन ही है मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको 14 अगस्त मुबारक हो।